राम राम जी सारे ने सुबह आई गुड मॉर्निंग आ रही हो। देखो भाई गा के बनने लग रहा है आज तो कि मैंने आ रही है सब्जी बनाने लग रहे हैं के बनाने लग रहे हो ये देखियो कि छोटा सा छोटा छोटा के ले रहे हैं के क्या है सब्जी बनाओ पहली बार बनाऊंगी यो है देसी करेला। देसी करेला यो जाड़ी का लग गया कर करेला। अच्छा असली करेला तो यो है। हमने तो आज से वो बड़े वाला ही खाया है ये तो छोटा छोटा भी नहीं। वाइल्ड करेला है ओरिजिनल करेला यो है। मैंने दिन भी नहीं मेरा ये मैंने भी नहीं मेरा देश की सब्जी बनाया है और मेरा किस बना आपने अपना मेरा था नहीं दिखा पापा ने मेरा था बस। ये तीन चीज हो रहा है जो अपना बेल पैदा हो रहा है एक तो यो करेला देसी करेला और एक वो है जो कचरी छोटी कचरी बोलना जिसमें वो और एक हो शायद की वो है ये अपने आप पैदा हो जाए है ना। तीन चीज हो जो ओरिजिनल कुदरत की देन हो गया और इनकी सब्जी मैंने तो खा रखी है पहले आराम इन्हें छोटे छोटे देना ये कति लाल हो जाए कति लाल इन्हें खा जाए यार जाम बहुत मीठे लगे गड़े तेरे हैं एक लाल मैं बीज बना लूंगी इसका और मैं दिखाऊं किसे किसे का इसे कति करेले जिसे बीज हैं जो कुछ बड़े करेले के वाया करनु ये तो इनके बीज हैं देखो जो कुछ ये सेम हो आते नहीं थी हम छोटे छोटे घूमर जा आते ना जब बाहर खेता में खेलन जा करते तो टीवी टीवी के साथ ना करते तो इन तोड़ कर कति नुके नु खा जाया करते हैं घने घने ये रेड हो जाए और ये इसके बीज काट लिए मैंने सुखा गई ना नीचे कैरी में बोऊंगा। देखो जा महंगे के भाई पापा लग गए चाय बनाने चाय पियोगे बनगी 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 एक बार तो पी लिए एक बार अच्छा अब इव थोड़ी देर पहले बाबा ने कहे चाय तो ऊं खुलेगी एक बार तो चाय पी ली बाबा ऊं नहीं पी ली है पी थी 7:30 हो गए अच्छा 5 बजे के भी 4 बजे पी थी इसमें चाय मसाला अदरक और सौंफ और पत्ती चीनी दो पड़े पड़े हैं और खांड और वो के है अपना ये के बोले छोटी लच्छी और लच्छी मसालेदार चाय कितनी गरम चाय होगी या फिर नहीं होगा मेरा कड़ जा पड़ा थोड़ी लाल मिर्च और पड़ जानी ना कती गणा है मजा आ जाए काली गेर ले इसमें रखी है काली गेर ले और थोड़ी उसी साबत एक दो साबत लाल मिर्च दो हरी मिर्च थोड़ा गार्लिक थोड़ा गार्लिक पड़ना चाहिए ना नहीं जी चाय बना रहा भाई लसन लगा के मैं कि तेरी बनांदी यो आ गया है भाई कढ़ाई में तेल पहले फ्राई करोगे इन्हें पहले नहीं इसने फ्राई करूंगी देखो किस तरीके से काटे छोटे इनकी दो फांक बनाई है मैंने इनमें बीज भी थे कहीं मैं पक्के बीज ये मैंने काट दिए बिना बीज का जो करियो बिना बीज का है दो फांक बना के इन्हें तड़ दूंगी इन न्यारे काट के फिर प्याज तड़के और फिर टमाटर और ग्रेवी ही बना के फिर उसके बाद में यो गिर दूंगी। देखते जाओ भाई ये रेसिपी है अगर इन फ्यूचर आपने बनाना पड़ गया लेगा यो मार्केट में तो फिर बनाइयो सुनी हेल्दी हो वह है उससे अच्छा हो दूसरे मैं ये मार्केट में तो नहीं तोड़ कर ले रही जो अपना गगन हरियाणवी है ना उनकी गौशाला में भगवत गीता चल रही है मुड़ रोज जाया कर दो दिन हो गए लगातार जाते तो वहाँ लाग रहे थे ये तो उन्होंने बताया ये चला तुम्हें आवाज आवाज है उड़े तो लाइक में ये तोड़ कर इन्हें फ्राई कर दो हो जाएगा अगर आप सरसों के तेल की मैं खाती हूँ ना तो ऐसे पानी का छिड़ा मार दिया करो ठीक हो जाएगी इससे जो सरसों के तेल में महक हो है चलन सी हो है ना वाह बोले पड़ जाएगी मैं ये दूँ भाई कुछ चम्मच है ये मंगवाई थी हमने ये तो इतनी चम्मच नहीं थी ना ऑनलाइन मंगवा रहा ये यहाँ तो दे दी ये सारी मंगवाई थी ऑनलाइन ये यूज कर ली या एक येलो रिया भी यूज कर ली अरे ये माइलेज पड़ गई थी 137 की एक या दिन या यूज ना कर रिया भी पीली हो जाएगी यूज कर ली हम्म
देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, पकौड़े से बन गए, मैं तेरी खा लूं निकाल गए। इसकी कड़वास मिट जाएगी तला पाके। बाकी ये चम्मच पीली होनी नहीं चाहिए है ना, वे चिकनी चिकनी होनी चाहिए इसमें, जोर सी एक बार धोंदे ठीक हो जा। ऑनलाइन में मेरा ना लगता भाई कि है कि एक चीज को मैं क्या है। लो भाई ये तड़ गए हैं, ये देखो इनका कलर कैसा हो गया है। अरे मम्मी मम्मी निकालने लग गई है, ये नू लगा लो 3-4 मिनट में मम्मी, 3-4 मिनट में होगा। हल्का सा कलर चेंज हो, बस इनका हल्का सा उसमें निकाल दो। आए कभी मेहंदी मैं कहा है ना तड़े मैं तल दो तो उसे मैं कहा है नहीं मामी हम ही तले जाएंगे। जो भाई कढ़ाई में तेल था वो निकाल दिया है और दूसरा तेल डाल दिया इसके अंदर। मैंने सोची कद इसमें कड़वाट आ गया और फिर कड़वा लग गया कोई ना खावे। बाकी मैंने पहली बार बनाने जैती करा है, यो अगर एक्सपीरियंस हो गया फिर ना करें, फिर तो इसे मैं पका दूँ। जो आ गया है भाई जीरा एंड इट्स टाइम फॉर चार्ज। प्याज जल्दी पक जाएगा तो आप भी नमक डाल दियो। ये देखो भाई इसके अंदर मम्मी ने डाल दिया है टमाटर भी, जब प्याज हल्का सा नरम हो गया ना तो इसके अंदर टमाटर डाल दिया है। इसके अंदर वो ना पड़े है क्या बोलते हैं उसे कच्चा आम। हाँ, लाल मिर्च भी कर रखी है, लाल मिर्च भी छोड़ दिया फिर हरी मिर्च कम थी लहसुन भी था फिर मैंने थोड़ी लाल भी गेर थी कम तेल डाल देते हैं इसमें आपने। अभी तेल पका दे रहा है, नॉर्मल करेले में ज्यादा तेल जल लिया करेगा। हाँ वो तेल को ज्यादा कड़वा हो उसमें ज्यादा तेल गिरना पड़ेगा। इधर डाले हैं यो भाई, इसमें कभी थोड़ी सी सब्जी बनी ये बुझ का थोड़े हो जाए ना प्याज भी पक्का ना थोड़ा सा हो जाए फिर ठीक से हमारी सब जाएगी चटनी वाला। मैंने इसमें जैती ज्यादा मिर्च गिरी हमारी। अच्छा चटपटी सी आप पास सब थोड़ी थोड़ी लेंगे जो अगर प्याज नहीं छोंक दिया अगर उस हिसाब से लेंगे सारी इसमें। बाकी दिक्कत में सुथरी लग यार खाने में बढ़िया लग रही है। इसमें मैंने पका दिए गेरा पाचा प्याज में थोड़ी सी आने और फिर ढक कर रख दूंगी। गैस भी बंद कर दी, गिल्ले बंद होगी ना गैस भी ना, बहुत सारे मिनट पकाई है 3-4 मिनट। अच्छा प्याज भी सही पका दिए थे, ये भी मैंने सही तल दी थी करेला छोटे वाला और उसके बाद सारे इकट्ठे कर करने थोड़ी सी देर और पका दिया। तो भाई खाना खाने लग गए हैं, किसे लगे पापा करेला बड़े करेले की सब्जी तो गणी स्वाद सब्जी बताई है पापा ने। और आम ले रहे हैं और भाई निशान तेरे के वे हैं तने किसा लग गया बढ़िया लग गया। अरे ओके खानो खाना संडे आज है कि संडे 1 बजे आवा भाई एक रोटी फिर नु कहवा मैं मोटा मैं ठाडा मैं वेरियो सिक्स पैक्स है भी खावा एक रोटी खावा है ऐसे काम थोड़ी चले। एक रोटी वो रात नाम जमा जा दूध भी इस बार एक साल में देखे तो कितना तगड़ा हो गया उसके पास खाना लगे तो अपनी सोच कर ले।
पापा ने मेरा ही मेरी कौन आंदी अच्छी बात है अच्छी बात कह रही भाई तो फेरी के दो बज गए हम ना दो लिए हैं निधि का पापा और मैं जाऊंगे गौशाला में वहां गगन हरियाणवी जो हमारे तागड़ी सॉन्ग के गायक है वे भगवत कथा कर रहे हैं और हम 3 दिन से लगातार जा रहे हैं वहां। मैं कल तो मैं अकेली गई थी, निधि का पापा नहीं थे और परसों सारी फैमिली थी जैसे कि हमने व्लॉग में बताया। और आज मैं निधि का पापा जा रहे हैं, ये बच्चे घर पे हैं, ये अपना काम करेंगे तो मैं तैयार हो ली हूँ। ये रह रहा है क्या कर रहे हो आप? अंधेरा कर रहे हो, मन तो अंधेरा लग गया इसमें। मैं कर रहा हूँ बाल लाने की कोशिश। चंदनी माजन भाई दवाई लगाई मैंने, 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए बाल जामन की दवाई लावा है और बेरा ना जामे के ना जामे यार बताओ। अड़के से तो आड़ है, जो आड़ सी थे वे तो जामे जो कर ये आड़ है। हाँ यार कभी खाली हो रहा था यार, बड़े काले हो गए देखो। और पूछियो नहीं पाए कौन सी दवाई है, मेरा पूरा आराम हो लेने दो जब बताओगे फिर बताओगे। बाकी थोड़े थोड़े वो भी कति हड़का बाल आवे कना जुक सा। हाँ करीबन 2 महीने वाला चल पाऊंगा इसका। कम कै दिन हो गया आपने? 10 दिन हो गए कम से कम। 10 दिन में तो हड़का सा बाल का मुँह खुलया है जैसे जिसमें छिद्र में तो बाल नहीं आया करें वो मुँह सा खुल जाता। चलो 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 भाई हम आ गए हैं गौशाला में। यहाँ चल रहा है भाई तब ऐसे बैठे चला ब्लॉग में भी देखा था आपने। और हम अपने स्टेशन पर पहुँच गए और जो गगन भाई पहले गगन भाई सिंगर होया करते और मेरे आज तो चल बना कर बताओ भी कहो थे ना आप तो पलक मागी के ये तो सही हो रहा है छोटा पर दबे हो रहे सही उसमें ये तोड़ने की सब्जी नहीं हो जाएगी इसमें। उल्टा उड़े धरती हूँ इच्छा ना देखती ना भिंडी भी जाए मैं एक छोटी छोटी बोल दी है। एक दो और एक बार तीन कौन सी आइए फिर पक गई तोड़ ले।
सही नहीं है भी। लो भाई शाम का रात का खाना डिनर बनाने लग रहा है। क्या बनाया मम्मी आज आपने? आज मैंने बेसन की रोटी बनाई है विद सब्जी। पर सब्जी आपको दिखाई नहीं देगी थाली के अंदर, रोटी के अंदर है ना वो। इसके मैं ये रख के पिज्जा बना देंगे। बाकी बेसन की रोटी है ना पूरी मुश्किल हो जाएगी। और ये मोटी बना दूंगी जब भी बड़ा बना जाएगी। अब मैंने इसने खाया किसने थार? एक टुक खाया था। लैन आला तो ऑनलाइन वाले भैया हैं जो पाप करते हैं वो भी पापी है, जो पाप होता देखते हैं वो भी पापी है। अच्छा एक मरी और छोरी ने थोड़ा खाना दे दो पाप है या छोरी खावे चटर पटर और यो लावे है ऑर्डर करे है और फिर नुकूंगी ना कौन सा ने लिया था कौन से ने मंगाया था तो यो नुका वही छोरी ने मंगाया था। ना मैंने लिया जा रहे थे भाई भगवत कथा मजा रहे थे। देखो ये छोले इनके छोले के मंगाए इनकी गिला भटूरे तो ये छोले मैंने ना फ्रिज में धरे देखे जब मैंने बेरा चला भाई कुछ ने कुछ कूड़ा बात करा है। और सब कुछ सामने लग हो जाए सब्जी ने क्यों कर फेंकू कुछ बात ना है या है सारा काम कर रही है और खावा यो भी है गेला इस तक खाया ना गानो बोल ले गिरना पड़ेगा तू खा ले। देखा भाई बचा कुचा मैं अपने भाई ने दे दिया करूं क्यों मैंने पहले वाइट में निकल आता तेरे तक खा ले साथ साथ कया नहीं था बता दे टाइम पहली बाइट ना तोड़ी थी पहले इसने नुए कही थी कि टेस्ट करा दे। लो भाई सब ने खाना खा लिया है और मम्मी का खाने का टाइम है और मम्मी किस आ गया आपने रोटी बढ़िया है मैंने बढ़िया लगी भाई पापा ने भी रोटी बढ़िया लगी मसमाने घर में एक छोरा है उसने कुछ पसंद ना आया करे। तो भाई इसी के साथ हम इस व्लॉग ने एंड करा हाँ एक खाना वाना खा के अपना थोड़ी देर आंट ढूंढ के तो सो जावांगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इतना बड़े रोल लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो टाटा बाय बाय।